नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एचआरडी कोटा की लिस्ट कब आएगी या फिर एचआरएम कोटा का रिजल्ट कब निकलेगा, यह सवाल रोजाना हजारों की संख्या में मुझसे पूछा जा रहा है। आपके सवाल के जवाब पर आधारित मैं दो वीडियोस ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ। साथ ही इस कोटे से संबंधित जो न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपे थे, उससे संबंधित जानकारी भी मैं लाकर लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो के माध्यम से। लेकिन फिर भी रोज़ाना ढेर सारे मतलब कि हज़ारों की संख्या में कमेंट के माध्यम से मुझसे यही बात पूछी जा रही है कि हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप बताइए क्या अब यह लिस्ट निकल सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, आज भी मैं वही बात कहने जा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस लिस्ट से संबंधित जो जानकारी थी मैं ऑलरेडी आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस लिस्ट को, इस कोटे को इस साल से कैंसिल कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एचआरडी कोटा या एचआरएम कोटा के तहत जो जिन बच्चों का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री से माध्यम से रिकमेंड किया जाता था, उनकी लिस्ट निकाली जाती थी। लेकिन इस बार यह फैसला लिया गया कि इस कोटे को समाप्त कर दिया जाएगा और वह फैसला इस साल से लागू कर दिया गया है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी, लेकिन बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, नव भारत टाइम्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलग अलग आर्टिकल्स छपे जिनमें यह बात कही गई कि यह कोटा इस साल से स्क्रैप कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है। और एक और बात भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों को पढ़ेंगे तो उसमें 31 अगस्त दाखिले की आखिरी तारीख लिखी हुई है और अब सितंबर का महीना भी कहीं देखा जाए तो सितंबर का महीना भी शुरू हो चुका है, पहला हफ्ता जा चुका है, सितंबर के दूसरे हफ्ते में है हम। अगर लिस्ट आनी होती तो आ चुकी होती, दाखिला प्रक्रियाएं भी कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है, केवल कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रियाएं इस समय चल रही है, उसके अलावा सभी कक्षाओं की दाखिला प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। अगर यह लिस्ट आनी होती तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगस्त के पहले हफ्ते में या फिर जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ चुकी होती, लेकिन यह लिस्ट नहीं आनी। अब आप इसका इंतजार ना करें और फिर भी यदि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी जारी की गई या फिर इस लिस्ट संबंध में मुझे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी पता चली किसी महत्वपूर्ण और किसी रिलायबल सोर्स से, तो वह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन फिलहाल इस सच्चाई को हमें मानकर चलना है कि एचआरडी कोटा या फिर जिसे हम एचआरएम कोटा कहते हैं वह इस साल से कैंसिल हो चुका है। और आप सभी को कहना चाहूँगी कि बहुत सारे आप में से लोग मुझे सवाल भी करते हैं कि आने वाले जो शैक्षिक सत्र है 2022-23 उसमें जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया होगी उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि इस साल हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हुआ, हम चाहते हैं अगले साल दाखिला हो। या फिर बहुत से ऐसे लाखों की संख्या में अभिभावक आपकी शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि अगले साल दाखिला प्रक्रिया कैसा होगा उसकी जानकारी उन्हें मिले, क्योंकि वे पहली बार केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बनने जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि अगले साल जो दाखिला प्रक्रिया होगी जिसकी मार्च में शुरुआत हो जाएगी और सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, तकरीबन 3-4 महीने ही बीच में है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं? और कहीं ना कहीं जितनी जल्दी जानकारी पता चलती है उतनी जल्दी कागजात बनाए जाते हैं, उतनी जल्दी आपको समझ आता है कि किस प्रकार बच्चे का दाखिला प्रक्रिया होगी और उसी तरह से आप फॉर्म निकलने के समय तेज़ी से काम करते हैं, और जो जितनी तेज़ी से और जितना सही तरीके से काम करता है तो वहाँ दाखिला बच्चों के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि आपकी राय हाँ है कि मैं सितंबर के महीने से ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हाँ सितंबर से आप वीडियो लेकर आए। जितने ज़्यादा मुझे हाँ में कमेंट आपके मिलेंगे उतनी जल्दी मैं केंद्रीय विद्यालय दाखिला 2022-23 से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आना शुरू कर दूंगी। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी ढेर सारे और स्कूल हैं जैसे कि नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है और बहुत से और प्रकार के स्कूल हैं जिन पर भी जल्द मैं वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। तो तैयार रहिए, सबकी शिक्षा के माध्यम से ढेर सारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले समय में आपके लिए आने वाली है। एक और बात कहना चाहूँगी, हर थर्सडे जनरल नॉलेज पर आधारित वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ और उस वीडियो में आपसे जो सवाल पूछती हूँ उसके जवाब में दिए जा रहे हैं प्राइजेस। इस थर्सडे को जो यानी कि इस गुरुवार को जो वीडियो रिलीज हुई है आप उसे ज़रूर देखें और उसमें पूछे गए सवाल का जवाब दें। क्या पता आप कुछ उन 5 लकी विनर्स में से एक हो जिनके घर पहुँचेंगे सबकी शिक्षा के माध्यम से प्राइज। तो सबकी शिक्षा को देखते रहिए, सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है जिसे बेल आइकन कहते हैं उसे भी प्रेस करना ना भूले। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए, नमस्कार।